नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एक गूगल एडसेंस अकाउंट को कितने सारे ब्लॉग के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नए ब्लॉगर हैं जो इस चीज में गलतियां कर देते हैं और इसका खमियाजा उनको पूरे जिंदगी ब्लॉगिंग में भुगतना पड़ता है। तो आज इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल एडसेंस अकाउंट करता क्या है। गूगल एडसेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके थ्रू जो गूगल है वो आपके ब्लॉग पर एडवर्टाइज चलाती है और उस पर जितनी क्लिक होती है वो अमाउंट आपको गूगल एडसेंस अकाउंट में आता है। अब सवाल ये उठता है कि आप जो ब्लॉगिंग अकाउंट है, ब्लॉगर का अकाउंट है, वो आपका किसी दूसरे जीमेल आईडी से आपने बनाया है और अब आप एक नया एडसेंस अकाउंट बना लेते हो, आप गलती यहीं पे करते हो। गूगल ने अपने पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि एक आदमी अपने ज़िंदगी में एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है। चाहे आपके पास में 10 यूट्यूब का अकाउंट हो, 10 ब्लॉगर का अकाउंट हो, आपको एक ही ब्लॉगर के एडसेंस अकाउंट के साथ में कनेक्ट करना है। अगर आपका एडसेंस अकाउंट, एक से ज़्यादा एडसेंस अकाउंट आप बनाते हैं और गूगल अगर उसको डिटेक्ट कर लेता है आपके ब्लॉग को, वहीं पे गूगल एडसेंस को ब्लॉक कर देगा, रिजेक्ट कर देगा और आपके लाइफ में कभी भी आपको दोबारा एडसेंस का जो अकाउंट है वो अप्रूव्ड नहीं होगा। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है एक ही बनाना है, चाहे आपके पास में 10 यूट्यूब का अकाउंट हो या फिर 10 ब्लॉगर का अकाउंट हो। अब सवाल ये उठता है कि आपने ब्लॉगर का जो अकाउंट बनाया है वो किसी दूसरे ईमेल आईडी से बनाया है और आपका एडसेंस अकाउंट किसी दूसरे ईमेल आईडी से बना हुआ है, तो क्या इस यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका एडसेंस का अकाउंट किसी भी जीमेल आईडी से बना है, आप आगे चल के कोई दूसरे जीमेल आईडी से ब्लॉगर का अकाउंट बनाते हो, किसी दूसरे ईमेल आईडी से यूट्यूब का अकाउंट बनाते हो, आप आसानी से उसको कनेक्ट कर सकते हो अपने एडसेंस के साथ में। एडसेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एडसेंस एक पेटीएम अकाउंट है जिसमें आपके सारे अमाउंट आते हैं। अब पेटीएम में गूगल पे से भी आ सकता है, फ़ोनपे से भी आ सकता है और मोबी क्विक से भी आ सकता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो अकाउंट को, गूगल की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते रहिए, यूट्यूब की पॉलिसी है उसको फॉलो करते रहिए और आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो किसी ऑर्थोडाइज सोर्स से ट्रैफिक आ रहा है तब तक गूगल आपके अकाउंट को कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑथराइज्ड ट्रैफिक भी आ रहा है और आपने एक से ज़्यादा एडसेंस अकाउंट बनाए हैं तो गूगल आपके एडसेंस अकाउंट को रिजेक्ट कर देगा, सस्पेंड कर देगा और ज़िंदगी में कभी भी आपको फिर से दोबारा एडसेंस अकाउंट का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे नए ब्लॉगर हैं जो उनसे हमेशा पूछते रहते हैं, क्या मुझे नया एडसेंस अकाउंट बनाना चाहिए, मैंने दूसरा ब्लॉग अकाउंट बनाया है, क्या मुझे एडसेंस अकाउंट बनाना चाहिए। इस वीडियो में उनकी सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। दोस्तों ब्लॉगिंग एक ऐसा आर्ट है जिसको आपको, अगर आप उसको फॉलो करते हो प्रॉपर पॉलिसी को, आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप गूगल के किसी पॉलिसी को या किसी भी सर्च इंजन के किसी पॉलिसी को वॉयलेट करते हो तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। वीडियो कैसा लगा हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर कुछ बताइएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है ब्लॉगिंग के रिलेटेड, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेक्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।